क्योंकि अब रात हो चुकी है, तो सोचा कि घर की वजह हम कहीं और ही चले, है ना। थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज है, आज हम आए लाइट हाउस, मतलब आए तो थे रामबाग पार्क, बट रामबाग पार्क जाने के बाद हमने सोचा क्यों ना आपको लाइट आउट भी घुमा दें, थोड़ी सी भूख भी लगी है, तो आपको लाइट आउट जो कैफे है जिसका नाम हमने बहुत सुना है उसके भी दर्शन करा देंगे और अपनी भी पेट पूजा कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो कौन से फ्लोर पे है लाइट आउट, आपको पता है कौन से फ्लोर पे लाइट आउट? 9। तू कब आया वे? वो आए नहीं है, आए ही होंगे तो अभी थोड़ी देर पहले। आपको याद हो कि गाइड ने बताया था कि 9th फ्लोर पर है लाइट आउट, लाइट आउट कैफे 9th फ्लोर पर है और हम अभी 9th फ्लोर पर जा रहे हैं। डर लगता है लिफ्ट में आई ना, कब जा पड़े, टूट गई थी भाई, है टूट चुकी तीन महीने पहले। अरे नहीं भैया, डरा क्यों रहे, अभी कब टूटी, तीन महीने पहले टूट के सीधी नीचे जाती है क्या ये? हाँ, लड़के खेल रहे थे इसमें, लड़के बाहर निकले से टूट गई थी। वो चलो सही है, हम बाहर निकले तब भी सब टूट जा, पहले बार टूट गई, टूट गई फिर तो भाई मैं कमारा मुझे पहले ब्याह करने दो, मैंने टूट जाएगी, अभी पीछे तो कुछ है ही नहीं। Rules for party. Single entry only. Number? 8-4-5-1. तीन लोग कोई और जॉइन कर रहा आपको? यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, लग्जरी और अच्छा। तो क्या कहना चाहती हैं आप? फाइनली दरिया है और मुझे डूब के जाना है, जो भी खाना है वो डूब के जाके खाना है। ये छोटा सा केबिन है मैडम के लिए। दोस्तों यहाँ से आपको पूरा संजय प्लेस का व्यू आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाउ टू फील इट, यहाँ पे बहुत अच्छा फील आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम शांति शांति सी, एक ये काफी अच्छे कंफर्टेबल, अच्छा लग रहा है।
और इसके अलावा नीचे भी है, रूफ टू केबिन बने हुए हैं, खा सकते हो इधर भी बैठ के, अपना फैमिली वगैरह हो वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, लंच कुछ भी। सेटअप काफी अच्छा है, ये आई थिंक पार्टीज वगैरह के लिए है जो बुक करते हैं उसके लिए हॉल है ना, फैमिली वगैरह जैसे खाती है उसके लिए है ये। कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ के, भूख लगी है सच्ची में? खाएंगे ना, भूख तो वैसे नहीं लग रही पर लग भी रही, लग भी रही है नहीं भी लग रही है एक चीज डिसाइड करो, लगी है कि नहीं लग रही है पर हल्की लग रही है। अच्छा, ज्यादा वाली नहीं लगती, थोड़ी सी लग रही है। वो सबसे अच्छा इनके ये लगे कि इंटीरियर, हाँ पता है, पता ही नहीं चल रहा कौन सा वाला बाहर से देखो तो कौन सा गेट है, ये नहीं फील हो रहा। चले शिवम भाई, ड्रिंक ऑर्डर चला, बाहर का वाकई में बहुत अच्छा व्यू है, ये देखो Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all sing a ride. Savannah, ये बंद भी हो जाता है, प्राइवेसी भी फुल है, बंद हो जाता है पूरा ऐसे करके, पूरा बंद हो गया। मैडम लाइट आउट को फुल एंजॉय कर रही हैं। तो दोस्तों बहुत ही तगड़ा सेटअप कर रखा है इन्होंने लाइट आउट का, रूफ टॉप पे यानी छत पे, और प्राइवेटली केबिन भी बने हुए हैं, आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं और फ्रेंड्स के साथ भी आके एंजॉय कर सकते हैं, पार्टी भी आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी औसम बना रखा है इन लोगों ने। अभी हम जिस सेपरेट केबिन में बैठे हुए हैं ये रूफ टॉप केबिन है, और यहाँ पर जो इन्होंने जो थीम बनाया है वो थीम बनाया है स्विमिंग पूल वाला, यानी ये नाइन्थ फ्लोर पर है, पर फिर भी यहाँ बैठ के जो फीलिंग आ रही है वो ऐसी आ रही है कि कहीं आप स्विमिंग पूल के बाहर बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं व्यू को। और आ चुका है भाभी का शेख, भैया की बिरयानी अभी आ रही है, और मैं प्योर
अच्छी चीजें खाने वाला आदमी हूँ। मुझे तो भाई चाहिए घर का खाना, कोई सूट करता है। अब मैं दिखा के ला रहा हूँ तुम्हें ऊपर का व्यू। ऊपर का भी अलग ही सीन लग रहा है मुझे। ऊपर का मैटर क्या अलग है क्या? कुछ बंद है अभी, बंद। चलो ऊपर तो भाई बंद है, वापस चलते हैं अपन। ऊपर का बंद है भाई व्यू, ऊपर भी है। हाँ सोफा वोफा डला हुआ है, ऊपर भी बंद है लेकिन। ऊपर पार्टी भी ऐसा होगा कुछ, पार्टी। हाँ कुछ पार्टी पर कुछ सही है। भैया बेचारे अकेले पिएंगे, हम दोनों ने एक साथ थोड़ा थोड़ा पी लिया। भैया अकेले पिएंगे बेचारे, की अभी कोई पार्टनर है नहीं। तो ये आ चुका है हमारा ऑर्डर, वेज बिरयानी। क्या ये सॉस ग्रेवी और ये रायता है, ठीक है। रायता ज़्यादा है मुझे लगता है शायद ना भैया, रायता ज़्यादा है, बहुत है यार, घर पे लेके जाना पड़ेगा हमें, ज़्यादा है बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने अपनी सिस्टम ले लिया है, चल रहा है काम। एक में ही ले लेना, हम तो एक में ही ले लेंगे। स्मेल तो काफी अच्छी अच्छी सी आ रही है, ये होगी तो अच्छी टेस्टी होगी। चलो मैडम क्या फरमाइश, पेट भर गया कुछ और कुछ भैया? तो गाइस हमने लाइट आउट पूरा घूम लिया है, काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी ऑसम प्लेस था और काफ़ी कूल हम लोगों को लगा। शिवानी जी का एक्सपीरियंस उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी, वैसे बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जिसकी बस जेब का खर्चा बहुत होता है यहाँ पे, ये है मामला, महंगा होता है। तो जो भी आए वो केवल ये कम से कम 4-5 हज़ार रुपये, अगर खाना पीना बहुत सब कुछ खाना है तो पैसे बहुत सारे लेके आए तभी हो सकता है, वरना तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है, ये काफी एक्सपेंसिव है। हाँ तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, एंड चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, बस ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट। बाय बाय, लेकिन देखने जरूर आइएगा, बहुत अच्छा है। बाय, गुड नाइट।